अय्यूब की पुस्तक अध्याय 22। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 22। तब तेमानी एलिपज ने कहा, क्या पुरुष से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं, तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए थे। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता? वह तो आकाशमंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं, जो अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नेव नदी वहां ले गई? उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है? तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं, कि जो हमारे विरुद्ध उठे निसंदेह मिट जाए और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया है। उससे मिल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर बरन ओपिर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान के सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा और जो बात तू ठाने वह तुझ में बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सुभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष न हो उसको भी वह बचाता है, अर्थात वह तेरे शुद्ध कामों के कारण छुड़ाया जाएगा।